डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट लॉसेस फॉर इंडिया टिल डेट, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, बिहार में सिचुएटेड दुनिया की सबसे पुरानी मानी जाने वाली नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत एम्परर कुमार गुप्त के द्वारा 5th सेंचुरी में हुई थी। इंटरनेशनल रेपुटेशन के कारण यहां 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा टीचर्स पढ़ते थे। बुद्धिज्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स भी यहां पर पढ़ाए जाते थे। लेकिन इस महान यूनिवर्सिटी की डिस्ट्रक्शन के पीछे का राज क्या है? दरअसल 1193 में अफगानिस्तान से आए बख्तियार खिलजी ने बीमार होने पर तमाम हकीमों की नाकाम कोशिश के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी के एक आचार्य के द्वारा दी गई दवाई ली और ठीक हो गया। इससे अचंभित होकर और जलसी के चलते खिलजी ने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का फैसला किया और कहा जाता है कि ये लाइब्रेरी इतनी किताबों से भरी हुई थी कि अगले 3 महीनों तक यहाँ पर आग जलती रही। हालांकि कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एक सिंपल लूट और डिस्ट्रक्शन का एग्जांपल है, लेकिन कारण चाहे जो भी रहा हो, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशनल लॉस था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड मुझे फॉलो करना ना भूलें।